गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि प्राइस लेवल चेंजेस क्या होता है, ठीक है, और हमने ये भी बताया था कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, लिमिटेशंस हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड की या हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या क्या होती हैं। आज हम थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे मेथड्स और टेक्निक्स को जो अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस की होती हैं। अगर हम बात करें तो ये चार टाइप की होती हैं। मैंने बोर्ड पर सिर्फ एक टाइप का इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आज हम सिर्फ एक टाइप को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो कौन कौन सी होती हैं अगर हम बात करें तो फर्स्ट होती है आपकी करंट परचेजिंग पावर टेक्निक्स, सेकेंड होती है आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, थर्ड होती है आपकी करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक और फोर्थ होती है आपकी करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। लेकिन आज हम लोग सिर्फ करंट परचेजिंग पावर टेक्निक की बात करेंगे, ठीक है, उसको ही डिटेल में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की ट्राई करेंगे जैसा भी आपका टाइम होता है उस तरह से। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले करंट परचेजिंग पावर मेथड की। सबसे पहले हम ये मान ले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। अकॉर्डिंग टू सीपीपी मेथड कर यानी कि अकॉर्डिंग टू करेंट परचेजिंग पावर मेथड द हिस्टोरिकल कॉस्ट डाटा आर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एनी इस्टेब्लिश्ड एंड अप्रूव्ड जनरल प्राइस इंडेक्स एट अ गिवन डेट। दिस मेथड टेक्स इनटू कंसीडरेशन द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ आइटम्स एज रिजल्ट ऑफ द जनरल प्राइस लेवल। यानी कि कहने का मतलब ये है करंट परचेजिंग पावर जो होता है, जो मेथड होता है, ये आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट डाटा को आपके जो प्रेजेंट इंडेक्स है और आपका जो प्रीवियस ईयर का यानी कि जिस साल में हमने उसको खरीदा था या जो भी आपकी मशीन थी या एसेट्स थी उसको हमने जिस डेट पर खरीदा है हम लोग कंपेयर करते हैं उस टाइम के प्राइस इंडेक्स से और प्रेजेंट टाइम के प्राइस इंडेक्स से हम लोग उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद में हम ये देखते हैं कि करेंट ईयर में उसकी परचेजिंग पावर कितनी है। अगर करेंट ईयर में हम उसको खरीदने जाते तो वो कितने की मिलती। करेंट परचेजिंग पावर सभी को समझ में आई होगी और आई गया होगा। अगर हम बात करें करेंट परचेजिंग पावर की तो सिंपल लैंग्वेज में ये समझो हम कंपेरिजन करते हैं प्राइस इंडेक्स की, कौन से वाले प्राइस इंडेक्स की, जो आपने जिस टाइम आपने अपनी मशीन को खरीदा है और इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जब आप मशीन को वैल्यूएट कर रहे हैं या मशीन का वैल्यूएशन कर रहे हैं, किसी असेट्स का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं तो आप लोग अगर सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में लिखा हुआ है एक मशीन जो है जो 1 अप्रैल 1999 को खरीदी थी हमने 1 लाख रुपए में, उस टाइम पर उसका जो जनरल प्राइस इंडेक्स था वो 200 था और 31 मार्च 2007 को हम उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं दोबारा से, 31 मार्च 2007 को इसका प्राइस इंडेक्स जो है वो 400 हो गया है। तो हमें ये पता करना है कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा यानी कि अब वो मशीन की परचेजिंग पावर कितनी होगी वो हम लोग अब आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कोई मशीन हमने कब खरीदी है। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1999 को हमने उसको खरीदा है। 1 अप्रैल 1999 को हमने एक मशीन खरीदी है जो कि 1 लाख रुपीस की थी। अब हम बात करते हैं उसका 1 अप्रैल प्राइस इंडेक्स की बात कर लेते हैं। प्राइस इंडेक्स जो था उसका वो 1 अप्रैल 1999 को 200 था, ठीक है। प्राइस इंडेक्स मैंने कल भी आपको बताया था, प्राइस इंडेक्स आपके क्वेश्चन में गिवन होगा और प्राइस इंडेक्स अगर आपको देखना है तो आपकी एक टेबल आती है, वो टेबल अगर मुझे मिलेगी तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। वैसे कोई नीड नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस इंडेक्स होता क्या है। प्राइस इंडेक्स का मतलब ये समझ लो कि कंपेयर करते हैं कि उस टाइम पर उसकी वैल्यू इस हिसाब से लगाई थी। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा सैलरी के केस में आपने सुना होगा कि कुछ आपके आयोग लगते हैं, कुछ वेतन आयोग लगते हैं, छठा मतलब अगर आयोग की बात करें कमीशन, जैसे कि हम लोग बात करते हैं छठा वेतन आयोग लग गया, सातवां वेतन आयोग लग गया, उसी तरह से हम लोग एक मानक तैयार कर लेते हैं। मानक ये बोल रहा था कि आपका जो 1 अप्रैल 1999 को जो आपकी मशीन की परचेजिंग पावर थी वो 200 थी और हम लोग अब रिवैल्यूएशन उसका कब करना है 31 मार्च 2007 में हम उसका रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और इस टाइम पर आपका प्राइस इंडेक्स जो है वो 400 है। तो
तो हमारे पास हम लोग इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सीपीपी यानी करेंट प्राइस पावर, सॉरी करेंट परचेजिंग पावर हम लोग इसको कर रहे हैं। तो हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला बनता है वैल्यू ऑफ मशीन, मल्टीप्लाइड बाय आपका करंट वाला, ठीक है, करंट इंडेक्स डिवाइड बाय आपका जो प्रीवियस ईयर में जब हमने मशीन को खरीदा थी, ठीक है, जब मशीन को खरीदा था यानी कि ओल्ड इंडेक्स। इस तरह से इसको फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर देखें वैल्यू कितनी थी आपकी, 1 लाख रुपीज की वैल्यू, करंट इंडेक्स कितना था, करेंट इंडेक्स था आपका 400, यानी कि अभी इस साल में 400 है और प्रीवियस ईयर में आपका कितना था 200, तो इसको जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से 2 काटा, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 2 लाख। यानी अब हम लोग बता सकते हैं कि जब हमने मशीन खरीदी थी तब वो 1 लाख रुपए की थी और प्रेजेंट टाइम में अगर वही मशीन खरीदने जाएंगे तो हमें 2 लाख रुपए खर्चे करने पड़ेंगे। यही आपका होता है, क्या होता है, ये आपका करेंट परचेजिंग पावर, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो हमने मशीन खरीदी है वो अब प्रेजेंट टाइम में कितने रुपए की हो गई है। तो यही देखना आपका करेंट परचेजिंग पावर कहलाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, समझ में आया यहां तक यही वाला क्वेश्चन सभी को, एक बार कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो बस सीधे सीधे याद रखो करंट परचेजिंग पावर। अब तो आपको इससे भी समझ में आ गया होगा जो आपने न्यूमेरिकल देखा, इसमें क्या था आपका कि हमने प्रीवियस ईयर में मशीन कितने की खरीदी थी, उस टाइम हमने ये माना था कि इंडेक्स प्राइस कितना था, इंडेक्स प्राइस मान लिया हमने उस टाइम 200 था। प्रेजेंट टाइम में जब हमने देखा, जब हम 2007 में दोबारा से रिवैल्यूएट कर रहे हैं मशीन को, उसकी वैल्यू को दोबारा से देख रहे हैं कि अब हमें कितने का, हाँ बता रहे हैं बेटा, आपको ही बता रहे हैं स्वाति, ठीक है, दोबारा रिपीट ही कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जब हमने मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 1999 को, तो हमें 1 लाख रुपए मशीन मिल गई थी। क्या 2007 में जब हम दोबारा से उस वैसी ही मशीन खरीदेंगे क्या हमें 1 लाख रुपए में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, इंडेक्स की हेल्प लेते हैं। इंडेक्स में बता रहा था कि उस मशीन की जो वैल्यू थी वो 1 अप्रैल 1999, अब बेटा ठीक है, 1 अप्रैल 1999 को उसकी जो करेंट इंडेक्स था, सॉरी ओल्ड इंडेक्स था उस टाइम पर, 1 अप्रैल 1999 में जो उसका इंडेक्स प्राइस था वो 200 रुपीज था, लेकिन अब प्रेजेंट ईयर में क्या हो गया है, प्रेजेंट ईयर में वो हो गया है आपका 400। प्रेजेंट ईयर का मतलब यहाँ पर 2021 से नहीं है, जहां पर हमें क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में ये कहा था कि 2007 में हमें वैल्यू बतानी, 2007 में उसकी क्या वैल्यू हो गई है ये हमको बताना था। तो हमने देख लिया कि 2007 में उसका जो इंडेक्स वैल्यू थी वो 400 रुपीज हो गई है। हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया जो कि था आपका वैल्यू ऑफ मशीन मल्टीप्लाइड बाई करंट इंडेक्स डिवाइड बाई ओल्ड इंडेक्स। इस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज को पुट किया और आंसर निकाला, तब हमें पता लगा कि 1999 में जो मशीन हमने 1 लाख रुपए की खरीदी थी वो मशीन हमें अब 2 लाख रुपए में खरीदनी पड़ेगी, यानी कि उसकी करंट परचेजिंग पावर कितनी है, 2 लाख रुपए हो गई है। अब समझ में आ गया बेटा स्वाति एंड ऑल, सभी को समझ में आ गया। ओके गुड, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं करंट परचेजिंग पावर में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अब हम उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है आपका कन्वर्जन फैक्टर। पहले तो ये समझ लें कि ये जो पॉइंट्स हैं आपके ना वो क्या है, वो आपके इस फॉर्मूला को ही एक्सप्लेन करने के लिए या फिर ये कह सकते हैं डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए लिखे गए हैं। पहला फैक्टर होता है कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर की बात करें, द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन फैक्टर ऑफ हिस्टोरिक कॉस्ट ऑफ द टू द जनरल प्राइस लेवल अंडर करेंट परचेजिंग पावर मेथड इज कॉल्ड कन्वर्जन फैक्टर। यानी कि हमने जो भी फॉर्मूला बनाया था करंट इंडेक्स डिवाइड बाई ओल्ड इंडेक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने जहां से जनरेट किया है जिसलिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने जो भी हमारा जो प्रीवियस ईयर का प्राइस है उससे हम अभी के प्राइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो आपका कन्वर्जन फैक्टर कहलाता है। तो जो आपका जो आधा फॉर्मूला जो है वो कन्वर्जन फैक्टर से बनता है। अगर कन्वर्जन फैक्टर की बात करें तो कन्वर्जन फैक्टर में आपका जो फॉर्मूला बन जाता है तो क्या बन जाएगा, हमने करेंट इंडेक्स और ओल्ड इंडेक्स लिखा था, करेंट इंडेक्स और ओल्ड इंडेक्स को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके इस तरह से भी लिख देते हैं, इंडेक्स ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन,
इंडेक्स ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, डिवाइड बाई इंडेक्स ऑन द डेट ऑफ एग्जिस्टिंग फिगर, यानी कि अगर हमने देखे तो हमने सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में लिखा था करेंट इंडेक्स और ओल्ड इंडेक्स, लेकिन अगर हम बात करें इसको अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से देखें कन्वर्जन फैक्टर को, बात वही कह रहा है करेंट इंडेक्स यानी कि इंडेक्स ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, जिस डेट पर हम उसको रिवैल्यूएट कर रहे थे 2007 उसको हम ऊपर लिखते हैं, कन्वर्जन फैक्टर बता रहा है कैलकुलेशन करने के टाइम पे जो भी जिस डेट पर हम रिवैल्यूएट कर रहे हैं मशीन को, एसेट्स को, या जो भी हमें रिवैल्यूएट करना है उसको हम लिखते हैं ऊपर, जो कि करंट इंडेक्स मैंने बताया था सिंपल लैंग्वेज में। अगर सिंपल लैंग्वेज में ना पूछे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ लेता है ये, तो हमको ये करंट इंडेक्स ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा, इंडेक्स ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, उसके बाद में हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड इससे कर रहे थे हम लोग ओल्ड इंडेक्स, ओल्ड इंडेक्स का मतलब क्या है, जिस डेट पर आपको एग्जिस्टिंग फिगर दी हुई है उस डेट के इंडेक्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है जो कि पॉइंट में आती है, उस वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आपका किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो मशीन की या एसेट्स की वैल्यू है, तब भी हमारे पास यही आ जाएगा। यानी कि फॉर्मूला को उन्होंने और ज्यादा थोड़ा सा इजी करने के लिए उन्होंने लिख दिया है कि आपको अगर कन्वर्जन फैक्टर की बात करना है, कन्वर्जन फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो हमारी मशीन की एग्जिस्टिंग फिगर थी उससे प्रेजेंट ईयर या फिर जब हम उसको रिवैल्यूएट कर रहे हैं तब की फिगर में कन्वर्ट करते हैं, वही आपका कन्वर्जन फैक्टर कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इंडेक्स ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन डिवाइड बाई इंडेक्स ऑन द डेट ऑफ एग्जिस्टिंग फिगर। ये बात सभी को समझ में आ गई, कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है समझ में आ गया। ओके गुड, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड। इसमें भी अगर आप एक एग्जांपल लेना चाहे, एक एग्जांपल आपको बताता हूं जल्दी से, आप लोग एक क्वेश्चन ही देता हूं मैं आपको, ठीक है, ओरली बोल दे रहा हूं और आपको कमेंट में बताना है, ठीक। आपको बताना है कि हमने जो मशीन खरीदी थी वो 5 लाख रुपए की थी, ठीक है, कब थी, 1 अप्रैल 1995 को मशीन जो थी वो 5 लाख रुपए की थी और उसका जो इंडेक्स था, इंडेक्स जो था वो 300 था, कब था, जब हमने मशीन को खरीदा था, यानी कि मशीन 5 लाख रुपए की हमने 1 अप्रैल 1995 को खरीदी थी, उस टाइम पर इसका प्राइस इंडेक्स 500 था और प्रेजेंट में यानी कि 31 मार्च 2007 को हम इसको रिवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है, तब इसका जो प्राइस इंडेक्स है वो 600 हो गया है। अब आपको बताना है कि सीपीपी उसका कितना होगा, जल्दी से बताएं कैलकुलेट करके, कॉमेंट करके। क्वेश्चन सभी ने सुन लिया, 5 लाख रुपीज की मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 1995 को, उस टाइम पर जो आपका कन्वर्जन फैक्टर था या कन्वर्जन सॉरी इंडेक्स था, इंडेक्स प्राइस जो था वो 300 था और प्रेजेंट में जब हम उसको दोबारा से रिवैल्यूएट कर रहे हैं तब आपका जो प्राइस इंडेक्स है वो 600 हो गया है। तो आपको बताना है कि आपका सीपीपी कितना होगा, वेरी गुड, अनमता 10 लाख रुपए होगा, ठीक है, सभी को क्लियर है। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 600 डिवाइड बाई 300 इस तरह से कर देंगे, या फिर अगर कन्वर्जन फैक्टर वाले फॉर्मूला को देखेंगे तो 600 डिवाइड बाई 300 करेंगे 2 आएगा, 2 को हम लोग मशीन से मल्टीप्लाई कर देंगे मशीन की वैल्यू से और वो आपका 10 लाख रुपीज हो जाएगा। आगे सभी को बात समझ में, तो चाहे तो आप कन्वर्जन फैक्टर वाले फॉर्मूला से कर लें या फिर आप जो हमने अभी आपको जो साइड में जो आपके लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर दिख रहा है उस टाइप से कर ले, दोनों टाइप से आपका क्या है आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो कन्वर्जन फैक्टर आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं मिड पीरियड कन्वेंशन की, देयर आर मेनी ट्रांजेक्शन विच टेक प्लेस कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर, फॉर एग्जाम्पल सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, फॉर एसर्टेनिंग द करेंट वैल्यू ऑफ दीज आइटम द इंडेक्स नंबर ऑन पर्टिकुलर डेट कैन नॉट बी यूज्ड and instead the average index number of the whole year is to be used. If the average index number is not available, we may use the index number prevalent in middle for the year which is called mid period index. यानी कि अभी हमने क्या बताया, conversion factor में बताया था हमने कि हमारे पास एक मशीन दी हुई थी, एक मशीन का price index दिया हुआ था और दूसरी चीज मतलब present वाला भी दिया हुआ था और existing figure जब हमने खरीदी थी तब वाला भी दिया हुआ था, लेकिन
अब हमारी जो इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है उसमें एक मशीन तो नहीं आई होगी, उसमें खर्चे तो बार बार हो रहे हैं, तो उन खर्चों में हम या तो ऐसा करें, ठीक है, अलग अलग उनको निकालें, यानी हमने एक मशीन ना खरीद हो, खरीद कर हमने बहुत सारी मशीन खरीदी हुई हैं, तो या तो हम उनका अलग अलग निकालें। अलग अलग निकालने पर हमको क्या होता है, अलग अलग निकालने पर हमारे पास में एक चीज मतलब ये नहीं होता है, अलग अलग निकालने पर हमें अलग अलग इंडेक्स चाहिए होगा तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम सारी जो भी आपकी मशीन्स हैं जिस साल में खरीदी है, फॉर एग्जांपल हमने 1999 में सारी मशीन्स खरीदी हैं, उनको हमने एक पास में लिख लिया, उसके बाद में हमने क्या किया, उनका एवरेज निकाला। एवरेज निकालने के बाद उसको हम जो भी आपकी वैल्यू ऑफ मशीन है वहां पर हम सिर्फ एवरेज लिखते हैं, एवरेज ऑफ एसेट्स लिख देंगे और करेंट इंडेक्स और ओल्ड इंडेक्स से हम लोग डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल देंगे, तब भी आपका सीपीपी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो आपकी हो गई कन्वर्जन फैक्टर की ही बात, एवरेज फैक्टर की बात हो गई। लेकिन मिड पीरियड क्या होता है, मिड पीरियड में आपके पास में कोई भी ना तो इंडेक्स नहीं दिया होगा, इंडेक्स नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इंडेक्स नहीं दिया होता है तो हम लोग जो आपका या फिर जो आपका मिडिल ईयर में, जो भी मिडिल ईयर में आपका उस टाइम पर, यानी कि आपका जो जिस टाइम पर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, सपोज कर लो अप्रैल की बात करते हैं हम लोग, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है और हमें मिड में करना है, मिड में करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस टाइम पर देखते हैं कि प्रेजेंट में आपका जो इंडेक्स नंबर है वो कितना चल रहा है, ठीक है। 1999 का तो हमें गिवन होगा, हमें ये तो एटलीस्ट पता ही होगा ना कि हमने 1999 में खरीदी थी और उसका जो कोई भी इंडेक्स नंबर उठा लेंगे, कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं, इंडेक्स नंबर आपका सेम ही रहता है तो 1999 का इंडेक्स उठा लेंगे। लेकिन अगर हम सपोज कर लो 1 अप्रैल के बाद और 31 मार्च से पहले कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो भी इंडेक्स होता है ना वो 1 अप्रैल को चेंज हो जाता है और वो वाला जो चेंज होता है वो 31 मार्च तक रहता है, लेकिन बीच ईयर में आपका हम लोग करंट तो नहीं मान सकते क्योंकि हो सकता है घटा और बड़ा होगा, तो हम लोग उस टाइम का जो भी करंट का होगा हम उससे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर 400 है, ठीक है, 400 हमने 1 अप्रैल 2006 को लिया था, 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 तक चला था, तो हम लोग 400 को ही लेंगे, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे, हम 31 मार्च तक का इंतजार नहीं करेंगे कि हाँ ये चेंज होगा, क्लियर है बात। मिड पीरियड कन्वेंशन ये कहता है कि आप जिस टाइम पर कर रहे हैं, जिस डेट पर कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप उस साल के ले लें, ठीक है, और नहीं लेना चाह रहे तो आप अपने फाइनेंस मैनेजर से बात करके कैलकुलेट करवाएं। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है मिड पीरियड कन्वेंशन की, आपके सिलेबस में आती नहीं है, लेकिन फिर भी जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन भी बता दूंगा। ये बात क्लियर हो गई। मिड पीरियड कन्वेंशन क्या होता है, जब आपके पास में बहुत सारे नंबर ऑफ एसेट्स हो जिसका प्राइस इंडेक्स हमको निकालना है, ठीक है, तो उस टाइम उसका सबका एवरेज निकालते हैं और एवरेज की कैलकुलेशन हम किससे करते हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर वाला तो आपको पता होगा, प्रेजेंट ईयर वाला आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस टाइम पर जो भी आपका आएगा इंडेक्स उससे कैलकुलेट करके हमको उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है आपका मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी आइटम्स। मॉनिटरी आइटम्स और नॉन मॉनिटरी आइटम्स तो मैंने प्रीवियस ईयर में भी बताए थे कौन से होते हैं। मॉनिटरी आइटम्स आर दोज हूज अमाउंट आर फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल। मॉनिटरी आइटम वो होते हैं जिनका जिनकी जो भी वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, फिक्स होती है और उसमें कोई भी प्राइस लेवल चेंजेस नहीं होते हैं या फिर प्राइस लेवल चेंजेस से हटकर जो होती है वो मॉनिटरी आपकी मॉनिटरी आइटम्स कहलाती है, ठीक है। मॉनिटरी आइटम्स कैन बी कैश इन हैंड, कैश एडवांस, सन्डी डेब्टर्स, सिंडिकेटर्स, रिडीमेबल प्रीफरेंस, ये सारे क्या होते हैं आपके मॉनिटरी आइटम्स होते हैं। देखो कैश हाथ में है, क्या वो बढ़ जाएगा हाथ में, मतलब पर्स में 200 रुपए पड़े हैं तो 200 रुपए की क्या वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, फिक्स है वो। डेब्टर्स हमें 500 रुपए देने वाले थे, किसी से हमें 500 रुपए मिलने वाले थे तो वो क्या 500 के 600 रुपए देंगे, नहीं देंगे, वो देंगे तो बेटा 500 रुपए। तो ऐसी भी ऐसी आपके जो भी कह सकते हैं आपके जो आपके आइटम्स होते हैं, ऐसे आइटम जिनकी वैल्यू का प्राइस लेवल चेंजेस से कोई भी इफेक्ट ना पड़े वो मॉनिटरी आइटम्स कहलाते हैं। और नॉन मॉनिटरी आइटम जो होते हैं उन पर आपका क्या होता है, वो आइटम ऐसे आइटम होते हैं जिन पर प्राइस लेवल चेंजेस का इफेक्ट पड़े, यानी प्राइस लेवल चेंजेस के साथ साथ उनका प्राइस घटे या बढ़े, ठीक है, वो नॉन मॉनिटरी आइटम्स होते हैं। अगर नॉन मॉनिटरी आइटम्स की बात करें तो जैसे कि प्लांट और मशीनरी हो गई, अभी हमने कैलकुलेशन करके दिखाई थी 1999 में 1 लाख की थी, 2 लाख, और 2007 में आपकी 2 लाख की हो गई, ठीक है। 1995 में कितने की थी,
5 लाख की थी और 2007 में आपकी 10 लाख की हो गई, तो वो आपके कौन से हो गए, वो आपके नॉन मॉनिटरी आइटम्स होते हैं। क्लियर हो गई बात। ये भी आपके किस में इंक्लूड होते हैं, वो भी आपके सीपीपी में इंक्लूड होते हैं, जो कि आपके करेंट परचेजिंग पावर कहलाती है। क्लियर हुई ये बात। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन मॉनिटरी आइटम्स। द इफेक्ट ऑफ द लॉस और प्रॉफिट ऑन मॉनिटरी एसेट्स एंड ओइंग लायबिलिटीज और मॉनिटरी आइटम इज ऑल्सो एसर्टेड। होल्डर्स ऑफ मॉनिटरी एसेट्स लॉस इफ देयर आर एनी इंक्रीज इन जनरल प्राइस इंडेक्स सिंस परचेजिंग पावर ऑफ एसेट्स ओन्ड इज एक्चुअली डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस ऑफ कैश और एट बैंक इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। On the other hand, decrease in general price level is gain to business since it increases the purchasing power of monetary assets owned. देखो इसमें सिंपल बात समझो, इसका एक एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आपका मैं कल कराऊंगा। इसमें ये बात समझो आप, जैसे कि आपके पास में जो मॉनिटरी इनकम होती है, ठीक है, या मॉनिटरी आइटम्स होते हैं, उन पर तो बेटा कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। कैश हमारे हाथ में 200 रुपए है तो वो 200 रुपए ही रहेगा, लेकिन हमारे पास में जैसे कि हमने कोई भी लायबिलिटी रखी है, लायबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे कि हमारा कुछ लोन ओन है, लोन अगर हमने इस साल 20,000 का हमने लिया था, ठीक है, अगले साल हमको उसको बेटा अगर उसको कुछ देना पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा उसका, तो कहीं ना कहीं वो लोन जो है वो 20 का 21,000 का हो सकता है। यानी आपकी जो लायबिलिटी है वो चेंज हो रही है और एसेट्स आपके पास उतनी है, 200 रुपए हाथ में है वो 200 रुपए ही है आपके कैश में, या फिर ऐसे करके समझ लें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सपोज कर लो हमने लोन लिया बैंक से, लोन लिया है बैंक से, हमारे पास कैश आया था, ठीक है, हमने लोन लिया कैश की फॉर्म में लिया था, कैश हमारे पास आ गया, 2000 रुपए कैश हमारी एसेट साइड में हमने डाल दिया और लोन की साइड में यानी लायबिलिटी साइड में लोन के नाम से 2000 रुपए डाल दिया। एक साल हो गया, एक साल बाद कैश तो बेटा 2000 रुपए रहा, ठीक है। अब जो आपका इंक्रीज किसमें हुआ है, इंक्रीज आपका हो गया आपकी लायबिलिटी जो है यानी लोन जो है वो आपको 2100 रुपए देना पड़ेगा, तो ये आपका कहीं ना कहीं डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया, 2100 रुपए आपका लायबिलिटी साइड में आ रहा है और एसेट साइड में आपके 2000 पड़े हैं, जो 100 रुपए का जो है यही आपका प्रॉफिट या लॉस कहलाता है मॉनिटरी आइटम्स पर। ये हमको बियर करना पड़ेगा, किससे बियर करेंगे हम लोग, अपने सीपीपी से बियर करेंगे। सीपीपी से हम कैलकुलेशन लगाएंगे और अपने जो भी हमारी एसेट्स है उसको एडजस्ट करने का ट्राई करेंगे। आगे बात समझ में, कल हम जब इसका एक एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल करेंगे उससे हमको और ज्यादा क्लियर होगी ये बात। तो ये बात सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गई, प्रॉफिट और लॉस ऑन मॉनिटरी आइटम्स वाली। ओके अनमता, अचल, वेरी गुड, ओके, तो थैंक यू।